तब बाइकर फिलहाल आज मैं जा रहा हूँ एक राइड पे। जो राइड कर रहा हूँ मैं वो जा रहा हूँ खटीमा। खटीमा में तो क्रोकोडाइल पार्क में जा रहे हैं। अभी देखते हैं यार, अभी तो मौसम ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा कोहरा लग रहा है। पर अभी अनुराग भाई हमें मीटअप आगे मिलेंगे लालपुर पर। पहले मैं करता फ्यूल अप, फ्यूल अप के बाद फिर उनको फ़ोन करता हूँ कि वो रेडी हुए नहीं हुए। सो पहले मैं करता हूँ फ्यूल अप, फिर उसके बाद फिर मैं आपको सीधा अनुराग भाई के पास लेके चलता हूँ। सो मैंने यहाँ से फ्यूल अप करवा दिया। अभी यहाँ से अनुराग भाई को फ़ोन करते हैं पहले कि घर से निकले नहीं निकले, उसके फिर मैं आपको वहाँ पर मिलता हूँ। अभी तो हमने करा दिया फ्यूल अप, देखे सारी टैंकी फुल हो चुकी है। अब यहाँ से करते हैं हम आपको गाड़ी को रैप, अपनी गाड़ी को रैप करता हूँ यहाँ से, सीधा मिलते हैं वहीं पर ही। भाई साहब गाड़ी मक्खन चलती है यार, वहाँ ना सुबह सुबह बिल्कुल मज़ा आ जाता है। और हाईवे देख रहे होंगे, किच्छा बाईपास वाली हाईवे है, काफ़ी सीधी रोड है। मतलब कि पहले गड्ढे गड्ढे थे, काफ़ी अच्छा कर दिया है पहले से ज़्यादा। तो सब थोड़ा गाड़ी चलाने में, कल यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था, काफ़ी ट्रक वाले ने डिज़ायर वाले को ठोक दिया था। अब पता नहीं उससे बचे नहीं बचे, पर यह है कि भाई साहब पूरी गाड़ी ही ख़त्म कर दी थी उसने। चलो यार कम से कम यार, अगर अभी हाईवे में चल रहे हो तो कम से कम लिमिट के हिसाब से चलना। देखो अभी बंदा देखो कैसे निकला वहाँ से, कोई वो नहीं रूल नहीं। देखो यहाँ पर कट ऑफ भी दे रखा है, बंदे ने आगे से गाड़ी बैठे सीधा यहीं से निकाल के जा रहा है। कोई चलाने का तरीका नहीं आता है इनको। पर यार आज की जो राइड होगी काफ़ी स्पेशल होगी। मैं भी फर्स्ट टाइम खटीमा जा रहा हूँ, तो वहाँ का क्रोकोडाइल पार्क देखूँगा कैसा है क्या है। क्रोकोडाइल है भी नहीं है उसमें, पर ये मज़ा है। अनुराग भाई भी बोल रहे थे यार काफ़ी दिन से उनके भी फंक्शन चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा घर पे ऊपर घर से थोड़ा बिजी हैं, उनके सिस्टर की शादी है। सो अभी मैं पहले अनुराग भाई को मिलता हूँ आगे पे, अगर मिलते हैं तो नहीं तो फ़ोन करता हूँ उनको। सो फिलहाल अनुराग भाई आ गए, कम से कम 10 मिनट लेट है। और कर गए थे जब मैंने इनको वीडियो गई तब ये बाल सुखा रहे हैं। बताओ यार गलत बात है यार अनुराग भाई, आज तुमसे पहले मैं आया हूँ पता है, जिंदगी में पहली बार ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी हालत देख रहे हो गाड़ी कैसी हो रही है, मैंने खुद नहीं मारा। सो बिलाओ गाइस आप करते हैं राइड को स्टार्ट, पर थोड़ा सा 2 मिनट यहाँ पर रुक के थोड़ा अपने एडजस्ट कर लेते हैं गाड़ी का जो भी है, उसके बाद फिर करते हैं राइड। सो बिलाओ गाइस आप रेडी स्टार्ट करते हैं हम अपनी राइड को। हाँ आ गए अपनी धनों पे, चलो फिर चलो। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं अपनी मंजिल के लिए, क्रोकोडाइल पार्क के लिए। सामने जा रहे हैं अनुराग भाई। यार आज मौसम ना काफ़ी अच्छा है, तो खिली खिली सी धूप है, देखो बिल्कुल आराम से धूप भी है, बादल भी नहीं है। पर थोड़ा सा यार ठंड स्टार्ट हो गई, तो मतलब आपको पता ही है कि थोड़ा सा पता ही है अभी ठंड में कैसी हालत होती है। पर हमने सुबह से मॉर्निंग में वो कुछ नहीं करा। सो अभी इसके बाद हम पहले क्रोकोडाइल पार्क देखेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या है करके। देन उसके बाद हम वहाँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, लंच करेंगे, अभी देखते हैं। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, मेन है पहले ब्रेकफास्ट देखते हैं कहाँ पर अच्छा लगता है, उसके बाद देखते हैं कहाँ। ओ भाई साहब रैप गाड़ी बहुत प्यारी है यार, ये गाड़ी सच्ची कह रहा हूँ। अगर जिस बंदे को नेगेट गाड़ियाँ पसंद है ना, सच्ची कह रहा हूँ, ये पक्का ले गाड़ी को, सच्ची कह रहा हूँ। बहुत ही पावरफुल गाड़ी है, 1,60,000 ओनली मात्र। इस बजट में आपको 200 cc सेगमेंट प्लस अच्छी VHP प्लस अच्छा टॉर्क पावरफुल, तो कम से कम 145-150 क्रॉस हो जाती है आराम से। ये अनुराग भाई देख लो कैसे कब कर रहे हैं ओवरटेक। अभी इनको मैं ओवरटेक करूंगा नहीं, अभी थोड़ी देर बजे रोड खाली हो जाएगी
तब करेंगे हम थोड़ा सा रैप करेंगे, ताकि खटीमा भी पहुंचना है हमने, तो थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। तो अभी सामने किच्छा आने वाला है, किच्छा से हम उस वाली रोड पर ले लेंगे। ऐसा व्यू देखो आप इस हाईवे का, ये खटीमा और सितारगंज वाली रोड है, काफी अच्छा हाईवे है। इसमें तो आराम से अपनी गाड़ी 145 140 के करीब मैं खोल ही देता हूँ। ये देखो अनुराग भाई मस्ती लेते हुए हमारे, हमें नहीं करना पुराना। मजा आ जाता है इस रोड पे। सो पहले अभी हम देखेंगे यार कहीं ब्रेकफास्ट करेंगे, पहले हमने नाश्ता किया भी नहीं है, तो पहले करेंगे हम ब्रेकफास्ट, देखते कहीं अच्छा ढाबा मिलता है तो सबसे पहले हम खाएंगे आलू पराठे या कुछ अच्छा ऑर्डर कर लेंगे, तो उसके बाद देन से करेंगे हम राइड कंटिन्यूस। सो पहले मिलते हैं हम आपको ब्रेकफास्ट के लिए। ये देखो इसकी टॉप स्पीड, ना गंदा एक्सीडेंट हो रखा। देखो बस आगे सामने से गए और देखो कोई भी नहीं बचा, बताओ यार इसमें। देखो बस की हालत आप कंडीशन देख रहे होंगे, काफ़ी आगे से गई है, पूरा ख़त्म हो रखी बस, बताओ। और इसमें जो भी है सब रिफ़र कर दिए गए हैं, बताओ। कभी भी बोलता यार कम से कम हाईवे में कम से कम ज़्यादा तेज़ में चलो, थोड़ा आराम से चलो। सो गाइस करेंगे अब हम ब्रेकफास्ट, और मैंने सुना है कि यहाँ पर राजमा चावल सबसे बेस्ट है, तो अभी ये रुद्रपुर को और ये आपका सितारगंज, अभी हम निकलेंगे अभी यहाँ से थोड़ी देर में खटीमा के लिए निकलेंगे, पर थोड़ा कर ले पेट पूजा, लग रही है भूख बहुत ज़्यादा, और फिर उसके बाद करी जाएगी राइड। सो अभी मैं आपको यहाँ का टेस्टी राजमा चावल दिखाता हूँ, सो तब तक बने रहे। सो गाइस हमने राजमा चावल खा दिए, कभी भी अगर आप आओ तो ये चौराहे से आगे रुद्रपुर को निकलता है, और ये दूसरा वाला चारों चौक है, और ये खटी मारो कभी आते हैं भाई, इनके स्पेशल वाले राजमा चावल खा के देखो मज़ा आ जाएगा यार, बिल्कुल पहाड़ी वाला खाना है। सो अब निकलते हैं यहाँ से अभी हम, और बाकी डिस्टेंस अभी कम से कम 35 किलोमीटर और रह गया है, फिर वहाँ पहुँच के हम करते हैं आपका ग्रो। सो अब निकलते हैं। चलो यार एक बात है, राजमा चावल में ना मजा आ गया बिल्कुल यार, घर का जैसा रायता, जो पहाड़ी वाला रायता होता है ना, वो टेस्ट मिला यार बिल्कुल, बहुत ही टेस्टी राजमा चावल बना हमने। अनुराग भाई मैंने फुल खा लिए, सो अभी एक बार हम दोबारा ना जब घर को जाएंगे तो दोबारा पक्का खाऊंगा मैं एक फुल, और फिर यार टेस्ट तो पूछो मैं, टेस्ट तो लाजवाब है, कभी भी अगर आप आओ ना एक बार पक्का ये चीज़ ट्राई करो, मज़ा आ जाएगा। सो अब हम निकलते हैं यहाँ से, टाइम भी हो रहा है तो बस। या आई नो पता है कि स्ट्रेट जाना है, पर आप बोलो मत यार। आप नज़ारा देखो यार, काफ़ी अच्छा लग रहा हाईवे, बिल्कुल प्लेन वाला हाईवे, साथ में धूप भी है, हरियाली भी नज़र आ रही है, देखो कितने अच्छे खेत है, गन्ने के खेत है यार, बताओ। काफ़ी अच्छा रूट है यार, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया बहुत। मैं भी आज फर्स्ट टाइम ही जा रहा हूँ वैसे भी खटीमा, क्योंकि मुझे भी 2 साल हो गए अभी तक गया नहीं यार कहीं घूमने घूमने, अभी स्टार्टिंग ही कर रहा हूँ दोबारा से। तो सही है घूमना, आजकल बीच में मैंने भी जॉब छोड़ी थी, तो थोड़ा मैंने कहा चलो अपने ब्लॉगिंग वो भी स्टार्ट कर लिया जाए थोड़ा सा, और थोड़ा घूम भी लिया जाए। इधर व्यू देखो अच्छा दिख रहा है काफ़ी यहाँ से,
हाईवे चेक करो यार, काफी अच्छी रोड है, बिल्कुल मजा आ रहा है यार बिल्कुल। अगर अभी सुपर बाइक होती तो उसकी सुई करके निकलता है इसमें। यार अभी ऐसा हुआ कि हमने जो मैप में देखा, आप देख रहे होंगे ये वाला रास्ता, इसमें गए थे, बोल रहे थे यार रास्ता थोड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो आप ऐसा करो सीधा खटीमा वाली रोड पर निकलो, हाईवे पर निकलो, वहाँ से ज़्यादा 6 किलोमीटर का फ़र्क पड़ेगा। पर यह कि चलो हमने रिस्क नहीं लिया, सीधा मैंने कहा चलो खटीमा ही निकलते हैं, सो अब हम सीधा खटीमा ही निकलते हैं पहले। एक इस मैडम ने हमें परेशान कर दिया, बोले यूटर्न यूटर्न यूटर्न, क्यों यूटर्न ले हम। सो गाइस अभी यहाँ से क्रोकोडाइल पार्क आपका 4 किलोमीटर है, थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप का भी मिल रहा है, रास्ता काफी थोड़ा सा खराब है पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि हाईवे वाला रास्ता पकड़ा हमने, तो अभी जो रास्ता है वो गांव में पकड़ेगा। गांव से देखिए आप, वो सामने हाईवे है और रेलवे ट्रैक भी है यहाँ पर। अभी इस गांव से हमें अंदर जाना है कुकड़ैल पार्क के लिए, तो अब चलते हैं। भाई साहब कुकड़ैल पार्क देखने के लिए भी ऑफ रोडिंग करनी हो रही है, देख रहे हो रास्ता काफ़ी ख़राब है यार। वैसे भी ये रास्ता जो जाता है गांव के अंदर से जाता है, और रास्ता आप देख ही रहे होंगे बिल्कुल बहुत ख़राब है यार, भाई साहब खतरनाक, पत्थर पत्थर होने बड़े बड़े, देखो नज़ारा देखो यार। गांव का एरिया है काफ़ी अच्छा है यार, सुनसान वाला एरिया, हाईवे से कम अभी हम 2 किलोमीटर अंदर आ गए हैं। सो अब आपको मैं क्रोकोडाइल पार्क के अंदर ही मिलता हूँ, तो आप गांव का मजा लीजिए। हरियाली हरियाली यार, ऐसा लग रहा है जैसे अपने गांव आ गए हो। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं क्रोकोडाइल पार्क में। देखिए सामने गेट का एंट्रेंस है, और देखिए भाई साहब चेकआउट करो अभी सब। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं क्रोकोडाइल पार्क, हम वहां सामने से आए थे, और पार्क आप देखिए अभी यहां से गेट का एंट्रेंस है, एंट्रेंस के सामने देखिए, देखो क्रोकोडाइल का वो बोर्ड लगा हुआ, काफ़ी अच्छा सजा ताजा लग रहा अभी है, और सामने एक क्रोकोडाइल भी है वहाँ पर, पर वो मेरे ख्याल से नकली है, ख्याल से क्या है, नहीं नकली है ये बोर्ड है। आप चेकआउट करो कभी भी अगर आप आए तो, प्लीज़ ये चेकआउट करके देख के आइए इधर। सो अभी अनुराग भाई और मैं चले अंदर, चलो गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है यार, गर्मी तो नहीं, जैकेट पहन रखा है, पर यह है कि आज में सुबह तो आपको पता ही है ठंड का मौसम है, तो ठंड तो होनी होनी है, तो वो आप चलते हैं, थोड़ी धूप भी अच्छी आ रही है यहाँ, तो यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा है तब भी ना, तो चलते हैं अब। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, पहले आप इस चीज़ को देखिए फिर बताइए, यार देखने में तो डर भी लग रहा मुझे। ये देखिए भाई साहब, अगर कोई अगर सामने सामने अगर सामने आया ना भाई साहब, उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, ये तो है, ये है एंट्रेंस, सामने आपको टिकट का वो मिलेगा, आप कभी भी आए सीधा सबसे पहले टिकट करिए, पार्किंग की जगह यहाँ पर पे है, मात्र 20 रुपये टिकट है, आप दिन में सुबह आइए, और टाइमिंग जो रहेगा 10 से शाम के 5 बजे तक। तो आप चलते हैं अंदर। 1100 किलो अब यहाँ से 480 मीटर दूर है, अब यहाँ से हम जा रहे हैं, अभी देखिए काफी अभी लग नहीं रहा, पर अभी अंदर से हम एंट्रेंस हुए गेट के सामने, या तो खुद ही कर लो या फिर नहीं आप भी करोगे हम भी करेंगे साथ साथ में, ऐसा नहीं होता ना।
चलो सो अनुराग भाई और हम जा रहे हैं अभी यहाँ से 480 मीटर है, पर अभी हम मेरे ख्याल से 200 मीटर तो हम आ गए हैं वैसे अंदर। 200 मीटर ज्यादा, 200 मीटर से ज्यादा आ गए, देख सकते हैं आप। यही तो होगा और कहाँ होगा यार, मजा आ जाएगा ना, सब कुछ दिख जाए आज, मतलब जो हमें देखना, सब कुछ जो हमें देखना चाहिए वो सब मिल जाएगा, बिल्कुल जो हमें देखना चाहिए वो सब कुछ दिख जाए। अब वो गलत मीनिंग मत समझ लेना प्लीज यार, क्योंकि ऐसे कोई होते नहीं कभी, ऐसा है कि बंदे को सामने लगे लगे। सही है, तो आपको मैं आगे दिखाता हूँ, देखिए वैसे बढ़िया बनना है, प्लेस भी अच्छी है, देखो मतलब वाइब सही आ रही है, मतलब लग रहा है हाँ भैया थोड़ा सा एडवेंचर टाइप, रफ एंड टाइप, ऐसा नहीं है कि बैंकर बढ़िया घास वास लगा के एकदम होटल जैसा बना दिया हो ना, ना ऐसा नहीं है। देख लियो बेटा, थोड़े से मेंढक मेंढक पकड़ लो, कोई मीट मांस पकड़ ले भयंकर, मगर मीट नहीं मच्छी मिल जाए बस। अबे भूतनी का मंगलवार है, कुछ नहीं होता, मैं मगरमच्छ के लिए कह रहा हूँ, मगरमच्छ के लिए तो हम ही हैं। मगरमच्छ के लिए तो हम ही हैं, मगरमच्छ वाले तेरे खा जाएगा मगरमच्छ को आज, ये देखिए स्टार्टिंग में मगरमच्छ तुझे खाए यार, मगरमच्छ का मीट भी अच्छा होता है यार, चेक आउट करो। ये यहाँ मिलेंगी भी क्या? अब मिलनी चाहिए, बता तो रखे थे सारी, चलो बहुत सारे बोट्स लगे हुए थे तो ये देखने आए हम तो, क्रोकोडाइल जो मेन चीज है देखने के लिए वो है ये। अरे देखो मगरमच्छ, मगरमच्छ अंडे कैसे देता है, मतलब ये छोटे छोटे बच्चे देखो अंडे में से निकल रहे, क्रोकोडाइल भी अंडे देता है ना इसलिए। हाँ यहाँ पे मछलियाँ हैं, कछुए हैं, सही है, बढ़िया भाई सो रहा आराम से, सही है, 20 रुपये दे के आओ आराम से घूमो, अच्छी प्लेस लग रही है बिल्कुल ना, देखने लायक, घूमने बैठने लायक बिल्कुल। कपल्स के लिए ना ये वो हो जाएगा, आने वाले टाइम पे कपल्स के लिए सही हो जाएगा, आओ बैठो रहो। अच्छा कुछ ये है ना भी ढूंढने पड़ेंगे क्या मेट्रो कड़ाई, मुझे भी लग रहा, सामने देखिए आप, कोई मगरमच्छ तो दिखा नहीं आ रहा अभी तक तो यहाँ पर, चलो आओ देखते हैं, ढूंढना पड़ेगा और सर्कस थोड़ी ना, मगरमच्छ हमेशा बुरा नहीं होता, बढ़िया है बाकी। सो अब हम जाएंगे सीधा, मैंने सुना कि वहाँ पर क्रोकोडाइल सो रहे हैं अभी, क्रोकोडाइल सो नहीं रहे मतलब कि धूप से गए, तो अभी हम उनको उठाएंगे पहले और देख के आते हैं कितने क्रोकोडाइल वहाँ पर अभी उठे हैं, व्यू चेकआउट करो देखो दोस्तों। पहले हट में एक्सप्लोर करते हैं, हट में हमें क्या मिलेगा अब पता नहीं, तो जैसे ही आप लोग इधर से एंटर होगे ना तो ये रहा वॉशरूम, उसके लिए आएगा हट, यहाँ पे लिखा हुआ वेलकम, वेलकम कछुआ बना हुआ, वेलकम कछुए बने इसके अंदर, मेरे कछुए तो नहीं है, है? कछुए तो नहीं बने इसके अंदर, कछुए तो नहीं बने इसके अंदर, मतलब क्या बोलते क्या है ये देखो, अच्छा खाली वैसे बना रखा है ना, थोड़ा सा एक्सप्लोर एक्सप्लोर टाइप का बना रखा है देखने के लिए ना, सही है ठीक है, अच्छी मिट्टी के सामने अच्छी आ रही है ना, तो ये गीदड़ हमारे सामने है, सामने देखो आप कम से कम 4 मगरमच्छ हैं भाई साहब, इतने खतरनाक है यार देखने में, देखो फोकस, अब देखो वो एक सामने, वो देखो सामने आप एक सामने बैठा, अब दिख गया होगा आपको सही से। सो गाइस आप चेकआउट करो, सामने देखो मगरमच्छ हैं, मैं अगर जूम करके दिखाओ तो आपको ये देखो, 1 2 3 4 एक और है, और एक सामने पे है देखो सो रहे हैं, मैंने भी फर्स्ट टाइम आज मगरमच्छ देखा है, पर यार काफ़ी वो हैं देखो ना यार, कितने खतरनाक दिख रहे हैं ये, तो सब सामने देख रहे हैं वहाँ पर क्रोकोडाइल हैं, अब देखते अभी दिखने लगे जाली की वजह से थोड़ा सा वो सा और मतलब साफ दिख नहीं रहा, पर अभी ये है कि हम आगे देंगे हैं, दूसरा वो सामने पे हो वो देखो हिल रहा हो, हाँ हाँ वो सामने हिल तो रहा हूँ, वो हिला था ना पानी में से आवाज आई थी, हाँ ये देखो ये वाला हिला, ये वाला हिला, अरे यार एक तो ये बीच में तार आ गया, ये फोकस तार की वजह से फोकस नहीं आ पा रहा ना, हाँ ये वाला जो आपको ये फॉलो कर रहा ना ये वाला, ये भी हिला। सो फिलहाल गाइस आप चेकआउट कर देखो, सामने मगरमच्छ सो रहा है
आराम से धूप के मजे लेते हुए देखो। बहुत बड़ा पर ये है ये काफी बड़ा है पत्थर। यार, कम से कम ये तुम्हारा कम से कम 2 मीटर के करीब समथिंग होगा ये। सो अभी देखो फिलहाल मैं भी अभी ट्रैक कर ही रहे हैं काफी। देखो दिखने के लिए काफी अच्छा वहाँ पे, इतना थोड़ा सा झरना टाइप का ब्लॉक कर रखा है काफी पीछे, मगर मस्त था। सो अभी आगे चल के देखते हैं कि आगे हमें और क्या मिलता है ट्रैक करने के लिए। देखिए देखिए सामने देखिए, बिल्कुल अच्छा लग रहा है स्पेस ना। और बाकी अभी मगरमच्छ ही दिखे हैं, अभी मैं सोचा कछुए कछुए और मछलियाँ भी दिखेंगी। काफ़ी लंबा ट्रैक है, कम से कम 1100 स्क्वायर फीट में है ये थोड़ा क्रोकोडाइल पार्क। तो देन अभी देखते क्या दिखते हैं। वैसे एक बार आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ कि कैसे दिख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए। सो फिलहाल गाइस आप यहाँ से जा रहे हैं, अभी देखो आपको, अभी आपने देख लिया होगा कि वीडियो कैसी लगी होगी आपको, क्रोकोडाइल आपको दिखाई दिए। और अभी तो हम यहाँ से जाएंगे घर को, अभी पहले खाएंगे कुछ क्योंकि भूख लग रही है हमें। सामने अनुराग भाई जा रहे थके हारे, सब सीधे घर को चले। अब ये कुछ खाएंगे अभी पहले ढाबे में लंच करते अच्छी तरह से। सो होप यू वीडियो आपको अच्छी लगी। सो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जल्दी से जल्दी आप मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, फिर उसके बाद देखें नया राइड का प्लान करेंगे। थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस राइड का भी प्लान चल रहा है, अभी देखते हैं, अभी कुछ दिन बाकी है। आपको पता भी नया साल भी स्टार्ट होने वाला है, तो नए साल से थोड़ा यूट्यूब की प्रोसेस चेंज हो जाएगी। सो अभी के लिए तो बस इतना ही। सो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, अभी के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।